सिवान नगर परिषद के नप उपसभापति बबलू शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। सिवान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। आज इसकी वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान विपक्ष को 22 मत मिले और बबलू शाह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। अंततः सूचना मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लगा है, इस पर क्या कहेंगे सर? सिवान नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर आज सभापति महोदया के अध्यक्षता में चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत गुप्त मतदान कराया गया। कुल 25 पार्षद उपस्थित थे, जिसमें 22 पार्षदों ने मतदान में भाग लिया और 22 पार्षदों का मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आया। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सर, अब चुनाव की फिर प्रक्रिया कब है? कुछ कार्यपालक पदाधिकारी यहां से रिपोर्ट भेजेंगे राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग तिथि का निर्धारण करे, यहां सूचना देगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आज अविश्वास प्रस्ताव उपसभापति के खिलाफ आप लोगों ने वोटिंग किया है, क्या कहेंगे इस पर? सभी वार्ड कमिश्नरों ने मिलकर इसमें सहयोग किया, सभी लोग हम सभी आभार हैं और सिवान के विकास के लिए हम लोग किया है। नया उपसभापति बनेगा, अच्छा काम करेंगे। कितने विपक्ष में वोट पड़े? 22 मत हम लोग के पक्ष में पड़े हैं, उन्होंने अपना मत नहीं दिया है और 3 आदमी थे वो मत नहीं दिए, तो आदमी अनुपस्थित हो गए, वोट नहीं दिए। इसको आप किस तरह की देखते हैं और क्या उम्मीद लगता है फिर नगर परिषद में? आप जो आप लोगों द्वारा जो लगातार कुछ न कुछ इल्जाम लगाए जा रहे थे, उससे कुछ रिलीफ मिलेगी? देखिए, नगर परिषद में जो भी इल्जाम लगने का जो होता था, नगर परिषद राजनीतिक का अड्डा है, पक्ष विपक्ष होता है, सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और अच्छा से काम करेंगे।